The poem is Break of Day in the Trenches by Isaac Rosenberg. So we have to study this poem. So Isaac Rosenberg is an English poet, and he was also a soldier who fought in the First World War. And especially ये जो कविता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही लिखी गई थी. So इसमें आगे especially इस कविता में एक युद्ध पे ही लिखी गई कविता है. And the if I easily come to know the topic of this poem. So let's start the poem. The first line, the darkness crumbles away. यहाँ पे कवि का कहना है कि रात्रि का समय अब ख़त्म होने वाला था और कवि खाई किसी खाई में और युद्ध के मैदान में थे. युद्ध चल रही थी और जैसे कि युद्ध के मैदान में खाई बनाई जाती है जहाँ पे सैनिक खड़े होके या वहाँ पे बैठ के लड़ते हैं. तो यहाँ पे वहीं पे कवि यहाँ पे बताते हैं कि द डार्कनेस क्रम्बल सबे, कि जो अंधेरा था एक तो अब रात्रि ख़त्म होने वाला था, सूर्योदय का समय होने वाला था. तो ये अंधेरा जो है ये तो मिटने वाला है, लेकिन जहाँ तक समय की बात की जाए उस समय में कोई परिवर्तन नहीं था. भले ही सूर्यास्त का समय आ चुका है, दिन होने वाला था, लेकिन अभी भी जो भयावह स्थिति बनी हुई थी उस युद्ध के मैदान में वही भयावह स्थिति अब भी बनी हुई है. सो आप यहाँ पर कह सकते हो कि कोई भी उम्मीद सैनिकों के अंदर नहीं था. इट इज़ द सेम ओल्ड ड्रुएट टाइम एज एवर. एक्चुअली ड्रुएट एंशियंट सिविलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, कि प्राचीन सभ्यता में जो पुरोहित लोग थे वो सूर्योदय के समय जो है ईश्वर को जो है एक तरह से जो निछावर किया करते थे, जो प्रार्थना किया करते थे अपना, उस सेंस में यहाँ पे लिखा गया है. तो दिन में कोई प्रकार का कोई समय में कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन उसी समय क्या होता है कि ओनली अ लाइव थिंग लिप्स माई हैंड, कि एक जीवित चीज़ जो है मेरे हाथ को स्पर्श करता है. ऐसा है मानो कि वो मेरे हाथ पे आ गिरता है, उसे स्पर्श कर देता है. यहाँ पे आप देख सकते हो कोई प्रेपोजिशनल वर्ड यूज नहीं किया गया है, बस यहाँ पे लिखा गया है ओनली अ लाइव थिंग लिप्स माई हैंड, कि कोई जीवित चीज़ जो है मेरे हाथ को स्पर्श करता है. और वो जीवित चीज़ क्या है तो हम लोग आगे पाएंगे. सो द नेक्स्ट लाइन की अ क्वीर सार्डोनिक रैट, कि यह विलक्षण यह विचित्र द्वेषपूर्ण चूहा. जिस चूहे का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे, चूहे को कवि जो है क्वीर कहे हैं और सार्डोनिक कहे हैं. सार्डोनिक मीन्स हो गया द्वेषपूर्ण, या इस सेंस में आप समझ सकते हो इसके पीछे का क्या रीजन है, व्हाट्स द रीजन, कि व्हाई द पोइट इज कॉलिंग इट, कि इसे क्यों इसे पुकार रहे हैं सार्डोनिक. सो द रीजन इज क्लियर, कि चूहे जितने मुक्त होके इतने इसके पास फ्रीडम था, इतना आज़ादी था. जहाँ तक भी बात की जाए सोल्जर्स की, सैनिकों की, तो उनके अंदर उतना आज़ादी नहीं था. वे लोग भय में थे, उनका जीवन जो था खतरे में था. जबकि चूहे इन सभी चीज़ों से जो है अवगत नहीं था, उसे कोई चीज़ों का परवाह नहीं है. तो सैनिकों के स्थिति के तुलना में चूहे का स्थिति काफ़ी बेहतर था, वो कहीं भी जा सकता था. लेकिन जहाँ तक बात की जाए सैनिकों की, तो सैनिक बस एक ही जगह पे पड़े हुए थे और काफ़ी लंबे समय से वो युद्ध लड़े जा रहे थे. तो इससे अच्छा स्थिति है उस रैट का, उस चूहे का. आगे वो कहते हैं एज आई पुल द पारपेट्स पॉपी टू स्टिक बिहाइंड माई ईयर, कि जैसे ही मैं खींचता हूँ. पॉरपेट का मीनिंग होता है खाई के दीवार को, पॉरपेट कहा जाता है. उस खाई के दीवार पर जो पॉपी था, हालांकि वो दीवार पे था, उसके और उस पॉपी को, उस अफीम के पौधों को, भले ही वो कवि के लिए या किसी और के लिए कोई रुकावट की चीज़ नहीं थी कि वो दीवार पे लगी हुई थी, फिर भी कवि उस पॉपी अफीम के पौधे को लगातार उसको तोड़ रहे थे और उसको अपने कान के नीचे खींच रहे थे. आगे उनका कहना है कि ड्रॉल रैट दे वुड शूट यू इफ़ दे न्यू.
आगे इनका कहना है, वैदेवे ड्रोल का मीनिंग होता है हास्यप्रद, हंसी दिलाने वाला है। चूहे काफ़ी यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ पे कवि का कहना है कि अगर तुम यहाँ तो मेरे हाथ को तुम स्पर्श कर लिए हो, लेकिन यदि तुम मेरे विरोधी जो जर्मन से उनका लड़ाई चल रहा था, एक्चुअली दे वर फाइटिंग अगेंस्ट जर्मन्स, तो यहाँ पे लिखा गया है कि दे वुड शूट यू, कि वे तुम्हें तो मार ही देंगे, इफ़ दे न्यू, यदि उनको पता चलेगा योर कॉस्मोपॉलिटन सिंपैथीज, कि जब उनको पता चलेगा कि तुम किसी चीज़ का परवाह नहीं करते हो, तुम अभी जो हो इंग्लिश हैंड, अंग्रेजी सैनिकों के हाथ को स्पर्श किए हो, और फिर तुम अब जा रहे हो जर्मन्स के पास, अब उसके हाथ को स्पर्श करोगे। तो कुल मिला के यहाँ पे जो वर्ड आया है कॉस्मोपॉलिटन सिंपैथीज, कॉस्मोपॉलिटन का मीनिंग होता है सर्वदेशीय, या जो किसी भी क्षेत्र में सीमित ना हो, जो पूरे विश्व को ही अपना देश मानता हो, सभी जगहों को प्यार करने वाला। तो यदि उन लोगों को, उन जर्मन्स को पता चलेगा या उस चूहे के बारे में, काफ़ी व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ पे कवि का कहना है कि दे वुड शूट यू, वे तो तुम्हें शूट ही कर देंगे जब उनको पता चलेगा योर कॉस्मोपॉलिटन सिंपैथीज, कि किस तरह से तुम जो हो अपना सहानुभूति दिखा रहे हो सभी क्षेत्रों को, तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है, ना तुम्हारा कोई दुश्मन है, ना कोई तुम्हारा मित्र है, तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप कह सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि नाउ यू हैव टच दिस इंग्लिश हैंड, अभी तो तुमने किसको टच किया है, किसको स्पर्श किया है, दिस इंग्लिश हैंड, इस अंग्रेजी हाथ को। आप अंग्रेजी हाथ इस सेंस में आप समझ सकते हो कि अंग्रेज, चूँकि आइजक रोजनबर्ग, या इसे भी समझ सकते हो कि इंग्लैंड, उस समय इंग्लैंड की लड़ाई जर्मन्स के खिलाफ चल रही थी। तो यहाँ पे उनका कहना है कि तुमने तो अभी स्पर्श किया है इंग्लिश हैंड को, अब यही चीज़ तुम जर्मन्स के भी साथ करेगो। तो यहाँ पे लिखा है यू विल डू द सेम टू अ जर्मन, तुम किसी जर्मन के साथ भी यही चीज़ करोगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग भले ही कहीं जा नहीं सकते हैं, हम लोग भयावह स्थिति में रह रहे हैं, हम लोग इस खाई से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, हम लोग इतने भय में रह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात की जाए उस चूहे की, तो वो चूहा बिल्कुल मुक्त है, स्वतंत्र है, उसे कोई भी चीज़ को लेकर कोई भी फियर, कोई भी हॉरर उसके अंदर नहीं है। और यहाँ पे ये भी अंदेशा जताए हैं कि तुम जरूर ही जल्द ही जो है तुम जाओगे, नो डाउट, इफ़ इट बी योर प्लेजर, हो सकता है यह तुम्हारा खुशी भी होगा ऐसा करना, टू क्रॉस द स्लीपिंग ग्रीन बिटवीन। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि उस घास के मैदान को कभी स्लीपिंग ग्रीन बताए हैं, कि तुम इस घास के मैदान को पार करके जाओगे। एक तो तुमने अभी जस्ट किसी अंग्रेजी सैनिक के हाथ को स्पर्श किए हो, अब तुम जर्मन के साथ भी यही करोगे। तो जिस घास के मैदान से होके जाओगे, तो यहाँ पे हमें पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है, स्लीपिंग ग्रीन। आप इस स्लीपिंग को इस सेंस में समझ सकते हो कि उस घास के मैदान, सिर्फ घास का ही मैदान वो नहीं था, वहाँ पे लाशें बिछी हुई थी, वहाँ पे जो डेड बॉडी था उससे होके वो जाता, इट सीम्स यू इनवार्डली ग्रीन एज यू पास, और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस चीज़ को करोगे तुम्हें काफ़ी खुशी मिलेगा। आगे फिर इन कवि का कहना है कि स्ट्रॉन्ग आइज, फाइन लिम्स, हर्टी एथलीट्स, हालांकि तुम एक छोटे से जीव हो, तुम्हारा अस्तित्व नहीं के बराबर है हम लोगों के तुलना में। जहां तक हम लोगों की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग आइज, हम लोगों की आँख, हम लोगों का हाथ पैर, हम लोग शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन जहाँ तक बात की जाए कि किनका जीवन, किनके जीने की अधिक संभावना है, तो लेस चांस देन यू फॉर लाइफ। जहाँ तक जीवन की बात की जाए, तो इतने चीज़ रहने के बावजूद भी हम लोग मजबूत हैं, अच्छे हाथ पैर हैं, हम लोग
शारीरिक रूप से काफ़ी प्रबल हैं, फिर भी जहाँ तक जीवन की बात की जाए तो हम लोगों का जो जीवन का जो चांसेस है, जो अवसर है जीने का, वो बहुत ही कम है तुम्हारे तुलना में। यहाँ पे बता दिए इस लाइन से कि लेस चांस देन यू फॉर लाइफ बॉन्ड्स टू द विम ऑफ मर्डर, कि हम लोग एक हत्या के लहर में, हम लोग हत्या से होके गुजरने वाले हैं, स्प्रॉल्ड इन द बॉबल्स ऑफ अर्थ। और पहले से ही बहुत सारे, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे उनका कहना है, फिर से मैं इसे पढ़ देता हूँ, लेस चांस देन यू फॉर लाइफ बॉन्ड्स टू द विम्स ऑफ मर्डर, कि दिस रैट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज प्रोबेबली बेटर देन मोस्ट ऑफ द यंग सोल्जर्स हु मे बी डेड नेक्स्ट वीक या टुमारो या लेटर डे। मैनी ऑफ देम, पहले तो बहुत सारे सैनिक पहले ही मारे जा चुके हैं, तो तुम्हारे जीने की जो संभावना है वो अधिक है, यहाँ पे कवि का कहना है। और हम लोग पहले से ही, हमारे बहुत से साथी लोग मारे जा चुके हैं, स्प्रॉल्ड इन द बॉबल्स ऑफ अर्थ। आप इसकी लाइन को इस तरह से पढ़ सकते हो कि पहले से ही कि लाशों का ढेर पसरा हुआ है, और वो लाशों का ढेर कहाँ है, तो इन द बॉबल्स ऑफ अर्थ, इस मिट्टी में दफन है। द टॉर्न फील्ड्स ऑफ फ्रांस, और मानो कि यह युद्ध का मैदान क्षतिग्रस्त है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, भयावह स्थिति बनी हुई है। फिर यहाँ पे वीसी की कवि यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन करते नजर आ रहे हैं। हेयर द स्पीकर इन्वाइट्स द रैट टू लुक एट हिज आईज, यहाँ पे कवि उस चूहे को आमंत्रित करते हैं कि उसके आँखों को देखे। What do you see in our eyes? तुम क्या देखते हो हमारे आँखों में, क्या तुम्हें यहाँ पे खतरा नहीं दिखता है? Don't you see terror here? By the way, इस मीनिंग को मैं पढ़ूंगा फिर से। तो यहाँ पे उस चूहे से एक तरह से ऐसा लग रहा है मानो कि उसके आँखों में देखने की बात कही जा रही है, at the shrinking iron and flame, कि क्या यह तुम चित्कार, लोहों की चित्कार तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्या तुम्हें ज्वाला नहीं दिखाई पड़ रही है, यह ज्वाला जो नष्ट करते जा रही है, जो लगातार डिस्ट्रक्शन फैला रही है, एट द श्रिंकिंग आयरन एंड फ्लेम, आप इस सेंस में पढ़ सकते हो। एंड आगे यहाँ पे लिखा गया है कि एक मानव की आँख, प्रेम से आप इस सेंस में भी कह सकते हो कि ह्यूमन आई शुड बी फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन, कि मानव का जो एक दृष्टि होना चाहिए वो प्यार से, स्नेह से भरा होना चाहिए, ना कि जैसा कि यहाँ पे कवि जिक्र किए हैं कि लोहों के चित्कार से, ज्वाला से, क्या तुम्हें ये ज्वाला दिखाई नहीं पड़ती है जो विनाश का सूचक है, हर्ड थ्रू स्टील हेवेंस, लगातार वो क्षति ही पहुँचा रही है, हम लोग अंदर से कांप रहे हैं, व्हाट क्वेवर व्हाट हार्ट एगास्ट, हमारे दिल के अंदर, यहाँ पे जो मीनिंग आप समझ सकते हो कि AGHAST, इसका क्या मीनिंग निकल के आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग अंदर से कांप रहे हैं, सो What quiver, what heart aghast, poppies whose roots are in man's veins, और poppy, मैंने पहले ही इसका जिक्र किया, is the symbol of hope, ये जो symbol होता है, ये प्रतीक होता है उम्मीद का इस कविता में, और यह उम्मीद, यह सुख लोगों के नसों में तो हैं, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लड़ी जा रही है वो उम्मीद जो है ऐसा लग रहा है कि वो अब मिट रहा हो लोगों के अंदर से, अब किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं है, बस वे लोग लड़ रहे हैं, दे वर जस्ट फाइटिंग फॉर देयर कंट्रीज। जहाँ तक बात की जाए, यहाँ तक आप समझ सकते हो कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कि जहाँ तक पॉपीज जो हैं, जिसकी जड़ें जो हैं
लोगों के इस सैनिकों के नस में है वह उम्मीद, अब वो जो है ड्रॉप आर एवर ड्रॉपिंग, और वो और भी जो है अब वो ख़त्म हो रहा है, लोगों के अंदर से वो उम्मीद धीरे धीरे मिट रहा है, बट माइन इन माई ईयर इज सेफ, लेकिन यहाँ पे द स्पीकर इज़ नॉट इम्पैक्टेड बाय दिस ट्रेनिंग, कि कभी जो है इस चीज़ से प्रभावित नहीं होते हैं कि बाकी सैनिकों के जो अंदर की जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म होती जा रही है। जहाँ तक अपने बारे में वो बात किए हैं कि बट माइन इन माई ईयर, लेकिन वो उम्मीद जो है उससे मैं प्रभावित नहीं हूँ कि उम्मीद छिन्न हो रही है सैनिकों की। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ वो अभी सुरक्षित है, जस्ट अ लिटिल वाइट विथ द डस्ट, कि मेरे मृत्यु तक वह सुरक्षित है, वह उम्मीद।